हमारे देश में कितने प्रदेश हैं? 28, वेरी गुड। हमारे देश में 28 प्रदेश हैं। एक एक करके हमने सारे कुछ प्रदेशों के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा, उत्तरांचल के बारे में पढ़ा, और आज हम एक ऐसे प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे जहां पर रेगिस्तान है। मालूम है कौन सा प्रदेश है जहां पर रेगिस्तान है? राजस्थान, वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। ये भारत का नक्शा है, और ये बीच बीच में क्या बने हैं? ये प्रदेश बने हुए हैं, है ना? पूरा हमारा भारत ये अलग अलग प्रदेशों में बटा हुआ है। कहाँ पर दिख रहा है इसमें राजस्थान? बताओ कहाँ पर है राजस्थान? पश्चिम दिशा में, हमारे देश की पश्चिम दिशा में ये है हमारा राजस्थान, ठीक है? आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात राजस्थान के बारे में कि राजस्थान हमारे देश की कौन सी दिशा में है? पश्चिम। सबको दिशाएं मालूम है? ये कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक। तो राजस्थान हमारा यहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो राजस्थान हमारे देश की पश्चिम दिशा में है। राजस्थान पश्चिम दिशा में, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक है। ये कितने प्रदेश हैं? 28। तो उन सब में सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान। क्या दो बातें पता चली? कि ये हमारे देश की पश्चिम दिशा में है और हमारे देश का ये सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके बाद अब बताओ कि इसके पड़ोसी कौन कौन हैं? पहले पड़ोसी राज्य बताओ, पड़ोसी प्रदेश बताओ, राज्य मतलब प्रदेश बताओ। ये है राजस्थान, अब ये है प्रदेश, तो बताओ पड़ोसी प्रदेश कौन से हुए? हाँ, गुजरात, ठीक, वेरी गुड। और ये क्या है? मध्य प्रदेश, हाँ। और फिर ये देखो उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा मिल रही है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा है और ये राजस्थान की,
तो इधर उत्तर प्रदेश है और फिर ये हरियाणा और ये पंजाब, यानी कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पड़ोसी राज्य कौन कौन से बताओ बेटा एक एक करके, शुरुआत यहां से करो, यहां से पंजाब, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। ठीक है, अब बताओ गुजरात कौन सी दिशा में है इसकी? गुजरात, गुजरात इसके दक्षिण पे है और पूरब में, पूरब में है उत्तर प्रदेश, और पूरब में है हरियाणा, हाँ, और उत्तर में है इसके पंजाब। अब इसके उत्तर और पश्चिमी दिशा में, इसके राजस्थान के पश्चिम दिशा में एक, यहाँ पर ये हमारा भारत या हिंदुस्तान खत्म हो रहा है, अब कौन सा देश आ रहा है? पाकिस्तान। तो यानी कि इसका एक, इसके साथ लगा हुआ एक दूसरा देश भी है, इसकी सीमा के साथ लगा हुआ दूसरा देश भी है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान है ना, और पड़ोसी राज्य जो है वो ये सब है। ठीक है, अब बताओ कि हर एक प्रदेश की एक क्या होती है? सीमा तो होती है प्रदेश की, और क्या होती है? राजधानी। आप किसी को पता है राजस्थान की राजधानी कौन? वेरी गुड, राजस्थान की राजधानी है, इसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, जयपुर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं इसको पिंक सिटी? वहां पर इमारतें जो हैं गुलाबी रंग से रंगी हुई हैं। गुड, वेरी गुड। अब राजस्थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का काफी हिस्सा जो है वो रेतीला है। रेतीला मतलब समझते हैं, वहां पर रेत ही रेत है। तो राजस्थान का जो ये वाला हिस्सा है बेटा, उत्तरी पश्चिमी, ये है पश्चिम और ये उत्तर, ये पूरा उत्तर पश्चिमी हिस्सा, इतना हिस्सा ये पूरा रेतीला है, यानी कि यहाँ पर है रेगिस्तान। तो देखो इतना पूरा हिस्सा जो है इसका जो पूरा रेगिस्तान है ना। तो और इस रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है, किसी को पता है? मरुस्थल। तो रेगिस्तान को हिंदी में कहते हैं, रेगिस्तान को और मरुस्थल भी कहते हैं। इसका एक नाम है, इस रेगिस्तान का एक नाम है। सहारा नहीं, थार, हाँ, क्या नाम है? थार। इसका अधिकांश भाग रेतीला है, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा पूरा इसका रेतीला है और इस रेगिस्तान को
हार के नाम से जाना जाता है। इसके रेतीले भाग को थार कहते हैं, ठीक है। और है यहां पर काफी सारी पत्थर की खदाने हैं। खदाने मतलब खाने, पत्थर की खदाने हैं। कैसे पत्थर की खदाने हैं? आज हम लोग अपने घर में सफेद रंग का मार्बल लगवाते हैं, वो सब कहाँ से आता है, कहाँ पर मिलता है? राजस्थान में। राजस्थान में इसकी पत्थर की खदाने हैं, जहाँ पर तरह तरह के पत्थर मिलते हैं, है ना। और तुम्हारा वो जो ताजमहल है, ताजमहल वहीं के राजस्थान के ही पत्थर से, संगमरमर से बना है। जो ताजमहल में पत्थर लगा है वो राजस्थान से लाया गया था, संगमरमर, जो राजस्थान से संगमरमर लाया गया उससे ये ताजमहल बना, ठीक है। अब कुछ इसका इतिहास, कुछ इसके बारे में जानते हैं कि जयपुर, ये राजस्थान कैसे बना, पहले कौन लोग यहाँ पर राज्य करते थे, किसी को पता है कुछ इसका इतिहास राजस्थान का? कुछ बात जानते हो राजस्थान के बारे में? गुंजा, कौन कौन राजा थे यहाँ पर, किसी का नाम राजस्थान में नहीं पता? ये जो पूरा प्रदेश है इसको तो राजाओं की धरती कहा गया है, और इस पर ऐसे राजा, राजपूत राजा लोग यहाँ पर राज करते थे। राजपूत राजा यहाँ पर राज करते थे और बहुत सारे राजा थे, और इनके और जो है उन पर जो है मुगल राजा लोग जो है वो हमला करते थे। मुगल राजा कौन से बताओ? अकबर और, वेरी गुड, बीरबल राजा नहीं थे, हुमायूं, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब मुगल राजा थे। और ये सब जो है राजस्थान जो जगह है उस पर जो है हमला करते थे, और वहां पर कौन राजा राज करते थे? राजपूत राजा। किसी राजपूत राजा का नाम बताओ बेटा। हाँ, वेरी गुड, ज्ञानती ने बताया महाराणा प्रताप, वेरी गुड। और महाराजा जय सिंह, उदय सिंह, इस ये नाम थे, ऐसे राजाओं ने वहां पर राज किया। और ये लोग इतने वीर, इतने बहादुर, इतने साहसी थे कि ये जल्दी हार नहीं मानते थे। ये लोग कहते थे, इनके ऊपर जब मुगल राजा लोग हमला करते थे, बेटा अभी मत लिखो, हम जब बताएंगे तब लिखना, हाँ, जब मुगल राजा इन पर हमला करते थे तो ये अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते थे और उनको भगा देते थे, और अपने मतलब कुछ भी, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते थे, प्राण चले जाएं, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारा जगह, हमारी जो धरती है वो हमारे ही पास में रहे, हम अपने जीते जी इन राजाओं को नहीं देंगे। फिर क्या होता था, जब अगर मान लो मुगल राजा ने हमला कर दिया और वहां के जो राजा हैं वो मर गए लड़ाई में, तो अब क्या हुआ होता था कि जो वहां की रानियां होती थी, उनकी रानियां होती थी, वो क्या करती थी? हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, वो राज्य जब वो हार गई तो कैसे राज्य संभालेंगी?
भाई उन्होंने तो लड़ाई में राजा को मार दिया, राजपूत राजा हैं उनको मार दिया, फिर तो मुगल राजा के कब्जे में आ गए वो जगह। तो फिर क्या होता था, जो उनकी रानियां थी वो भी अपने प्राणों को त्याग देती थी, वो भी कभी आग में कूद जाती थी। और इन जब जो ये होता था, जैसे अपने को अपने प्राणों को या बलि देती थी या आग में कूद जाती थी या छत से कूद जाती थी, तो उन उसको कहते थे जौहर। है ना, जब वो खुदकुशी करके अपने प्राणों को त्याग देती थी तो उस चीज को कहा जाता था जौहर। तो वहां की रानियां जो हैं जौहर कर लेती थी। क्यों क्यों करती थी, क्यों कूद जाती थी उन, क्योंकि जब अगर जब मुगल राजा ने उस पर उस जगह उनकी जगह पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा, अब मुगल राजा वहां पर राज करेंगे और रानी को क्या करेंगे, रानी को गुलाम बनाएंगे या रानी पर अत्याचार करेंगे। तो मुगल राजाओं के अत्याचारों से बचने के लिए रानियां भी अपने प्राणों को त्याग देती थी। और प्राणों को त्याग देना हम लोग तो बहुत आराम से कह देते हैं प्राणों को त्याग दिया, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये करना, है ना, एक लड़ाई में मार दिया जाना और अपने आप कहीं से कूद जाना, मुश्किल होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं, है ना। तो उनमें साहस था, उनमें वीरता थी, तभी तो वो ऐसा करती थी, या तो वो उनसे लड़ती या फिर वो अपने आप को खत्म कर लेती थी। ठीक है, तो यहाँ के लोग बहुत ही वीर और साहसी होते थे और अपने देश की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से भी पीछे नहीं हटते थे। अब जो ये राजा थे, जैसे हम लोगों ने कहा, इन्होंने बताया महाराणा प्रताप, राजा जय सिंह, राजा उदय सिंह, जब बड़े बड़े राजा थे तो इन लोग ने अपने लिए वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर महल बनवाए थे, महल हवेलियां किले ये सब राजस्थान में हैं। और उन्हीं के बनाए हुए जो महल हैं सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर महल हैं, किले हैं, बड़े बड़े हवेलियां हैं, तालाब हैं, वो हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। उन्हीं के बनाए हुए महलों को लोग बहुत, और उन महलों को बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। वो महल अभी भी हैं, अभी भी वहां पर कुछ किलों में पिक्चर की शूटिंग वगैरह होती है, इतने सुंदर बने हुए हैं। अभी जो पिक्चर आई थी कौन सी आई थी बताओ, हाँ जोधा अकबर, उसमें भी वही राजस्थान में किला है, उसकी शूटिंग है। ठीक है, तो और वो बहुत ही सुंदर नक्काशी करे हुए ऐसे सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं, कहीं है ही नहीं इतने सुंदर। और ऐसे महलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और सबसे ज्यादा जो बाहर से पर्यटक लोग देखने आते हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान में जाते हैं पर्यटक घूमने के लिए, उनके राजाओं के बनवाए हुए महल देखने के लिए, किले देखने के लिए। ठीक है, अब इस प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर किस चीज की कमी रहती है, यहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है, यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, यहाँ पर वर्षा बहुत यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर पानी की बहुत कमी है शुरू से ही। तो जब राजा लोग यहाँ पर राज्य करते थे तो प्रजा को पानी की बहुत ज्यादा कमी होती थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अपने राज्य के लोगों के लिए वहाँ पर तालाब बनवाए जिससे उनकी उनके राज्य के लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। तो वहां पर उनके बनवाए हुए राजाओं के बहुत अच्छे अच्छे तालाब भी हैं, किले वहां पर जो महल है, महल भी बने हुए हैं और किले भी बने हुए हैं। किले किस लिए बनते थे, राजा लोग किले क्यों बनवाते थे बताओ,
हाँ, या किले जो थे वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाते थे, थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाते थे जिससे कि अगर कोई दुश्मन आए, अगर आप ऊंचाई पे खड़े हुए हो और तो ऊंचाई पे खड़े रहकर आप दूर तक देख सकते हो कि नहीं देख सकते, और अगर आप उतने ही, अब यहीं पर ही दुश्मन आ रहा है, यहीं पर आप भी रह रहे हो, तो क्या होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके दरवाजे तक दुश्मन आ जाएगा। अगर आप ऊंचाई पर हो और कोई दूर से चला आ रहा है तो आप ऊंचाई पर हो तो उसे देख सकते हो। तो राजा लोग जो हैं वो अपने किले थोड़ा का ऊंचाई पर बनाते थे जिससे दुश्मनों के आने का पता लग जाए और उनकी सेना बहुत होशियार हो सके, है ना, और उन पर भी हमला कर सके। तो और किले में छुपने की भी जगह होती थी, जैसे मान लो उन्होंने हमला कर दिया तो आप किले में छुप भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए राजस्थान में जितने भी किले बने हुए, आगे हम तुम लोगों को किले बताएंगे कौन कौन से किले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे किले वहां पर हैं और वो सब ऊंचाई पर बने हुए हैं दुश्मनों को देखने के लिए, पता लगाने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। अब यहाँ के प्रदेश को पानी के लिए, चलो वर्षा तो कम होती लेकिन फिर भी कोई नदी वदी तो है ही, यहाँ की मुख्य नदी है चंबल। चंबल यहाँ की मुख्य नदी है, ठीक है, चंबल यहाँ की मुख्य नदी है और यहाँ के कुछ सुंदर सुंदर मुख्य शहर हैं, जैसे कि जैसलमेर। नाम सुना है जैसलमेर का? नहीं सुना? जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, माउंट आबू। माउंट आबू का नाम सुना है? सुना? माउंट आबू, जैसलमेर और जोधपुर। जोधपुर, चित्तौड़, यहाँ के मुख्य शहर हैं, ठीक है। कौन कौन से शहर बताएं? उदयपुर, 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 जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, माउंट आबू, जोधपुर, चित्तौड़, यहाँ के मुख्य शहर हैं। और यहाँ पर क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं ये हम अगली बार आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, एक बात और, आपके बुक में पिक्चर बनी हुई है और लिखा हुआ है टीले सरकते हैं, क्या मतलब हुआ कोई बताएगा? एक जगह से टीले, क्या टीले किसको बताया? मिट्टी के टीले कि रेत के टीले? हाँ, रेत के, हाँ, तो रेत के टीले सरकते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं, कैसे उनके पैर होते हैं? हवा के वजह से। ऐसा होता है कि रेगिस्तान में क्या होता है, रेत ही रेत होती है, रेत ही रेत होती है, उसके बाद जब काफी तेज हवा चलती है तो क्या होता है, जो सब रेत जो होती है वो उड़ के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो जब रेत इकट्ठी हो गई तो वो एक टीला बन गया, ठीक है। अब हो सकता है तुम कहीं से आ रहे हो और टीला वो यहाँ पर है, ठीक। अब ये सुबह आपको टीला यहाँ पर था, अब ये शाम तक जो है हवा चलते चलते, ये जो हवा एक ही तरफ की जो चलती है वहां पर, उससे क्या होता है, ये जो रेत है ये उड़ उड़ के दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है।
तो ये टीला पता चला थोड़ी देर बाद ये टीला तो खत्म हो गया और ये वाला टीला बन गया। तो इसलिए कहते हैं, लिखा है आपकी किताब में, राजस्थान में टीले सरकते हैं, यानी कि एक टीला बना और फिर वो खत्म होकर दूसरी जगह बन गया। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की एक खास बात ये है, खास बात क्या है, राजस्थान में आपको जैसे कि हमने बताया कि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, पानी वहां पर कम बरसता है और पानी की बहुत ज्यादा वहां पर कमी है। तो क्या होता है, और खास तौर पे रेगिस्तानी इलाके पर जहां पर रेत ही रेत होती है, तो कभी तुम देखो वहां पर चलो रेगिस्तान पे अगर आप चल रहे हो तो आपको लगेगा दूर कहीं पर पानी है, दूर वहां पर पानी है। और जब तुम वहां पर पहुंचो तो देखोगे वहां पर पानी, हमें तो लग रहा था यहाँ पर पानी है, यहाँ तो पानी नहीं है। क्यों होता है ऐसा बताओ, कि दूर से देखने पर लगता है कि पानी है मगर वहां तो पानी नहीं होता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, कि हमें लगा कि वहां पर पानी। अब अच्छा तुम रेगिस्तान की बात छोड़ दो, अगर तुम सड़क पे भी कभी चल रहे हो, गाड़ी में बैठो, तो दूर से सड़क चमकती है कभी कभी और लगता है कि पानी है वहां पर, लेकिन पानी नहीं होता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिराज, और हिंदी में बोलते हैं इसको मृत तृष्णा। समझे, क्यों होता है इसका रीजन हम बताते हैं, क्यों लगता है कि हमें वहां पर पानी है। जब वहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, पानी कम बरसता है, जब सूरज की गर्मी रेत पर पड़ती है तो वो जो वहां जमीन पर पड़ती है तो जो गर्म हवा होती है वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। ठीक है ना, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो हमें लगता है कि वहां पर पानी है। समझ में आया, तो इसलिए अगर हम दूर कहीं पर खड़े हैं तो हमें लगता है कि वहां पर पानी है, और जब हम वहां पर प्यास तो लगती है क्योंकि वहां बहुत गर्मी होती है, भागते भागते दौड़ते हुए जब हम वहां पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर पानी नहीं है। और लगता हमें क्यों है, वो उसका कारण हमने बताया कि जब गर्म हवा ऊपर की, सूरज की गर्मी से जब गर्म हवा नीचे की ऊपर उठती है तो वो हमें लगता है ऐसा कि वो पानी। ठीक है, अब अगली बार हम इन जो वहां के मुख्य शहर हैं और वहां पर कैसे कैसे किले हैं और कैसे महल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।